यह हैंडमेड माइक्रो आर्ट टूल्स, इसे आप घर पर ही बना सकते हैं। और ये सारे आर्ट मैंने इस टूल की हेल्प से बनाई है और इनकी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हमें एक वेस्ट पेन की ज़रूरत है और इस पेन के नीब को हमें रिमूव कर देना है, और इसे पूरी तरह रिमूव नहीं करना है, हमें बस सामने के पार्ट को रिमूव करना है। और इसके बाद हम इसमें नीडल को फिट करेंगे और इस नीडल को अब हम पेन के नीब में फिट करेंगे, और ये काफ़ी टाइटली इस नीब में फिट आ जाता है। और इसे हम टाइट करने के लिए इसमें एक फेविक्विक का यूज करेंगे, और ये फेविक्विक का बड़ा भाई है, और ये फेविक्विक को मैंने भर दिया है जिससे नीब काफ़ी टाइट हो गया है। और ये नीडल पेन अब रेडी हो चुका है और इसमें आप कैप लगाकर इसे पैक कर सकते हैं, और ये आप नेम कार्विंग वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, और इस तरह के आपको आउटपुट्स मिलेंगे देखने को। अब हम पेन नाइफ को बनाएंगे। इसे बनाने के लिए पेन को लेंगे और एक कैंडल को लिया है मैंने, कैंडल को मैंने जला लिया है माचिस की हेल्प से। अब पेन को धीरे धीरे इस पर सेकना है ताकि ये मटेरियल जो है काफ़ी सॉफ्ट हो जाए, और ये देख रहे हैं धीरे धीरे काफ़ी सॉफ्ट होता जा रहा है, और बहुत ही सावधानी से आपको इसे करना है। मेल्ट हो जाने के बाद आप कैंडल को बुझा कर रखें वरना आग लगने का डर रहता है। और ये एक सर्जिकल ब्लेड है जिसे आप मेडिकल शॉप से ख़रीद सकते हैं, काफ़ी इजीली अवेलेबल होता है, ये 5 रुपीज़ का आता है। और इस ब्लेड का नंबर है सर्जिकल ब्लेड नंबर 11, और इसे मैं टाइट कर ले रहा हूँ। और ये सूखने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। और इसकी हार्डनेस को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैं पेंसिल की वुड को काफ़ी इजीली रिमूव कर पा रहा हूँ। और इसका यूज़ के लिए मैंने एक और भी वीडियो को बनाया है, और ऐसे बहुत सारी वीडियो को मैंने अपने चैनल में अपलोड किया है। केवल नाइफ और नीडल की हेल्प से आप बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं, तो चैनल पर आप ज़रूर विजिट करें। ये काफ़ी स्लो करना होता है, मैंने वीडियो को जल्दी में दिखाने के लिए फास्ट किया है। मैं इसे काफ़ी स्लो कर रहा हूँ बट वीडियो में मुझे स्पीड प्रोसेस करना पड़ रहा है, वरना इसे बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा पूरे वीडियो में दिखा पाना। और ये हमारा हार्ट रेडी हो चुका। नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं पेन नाइफ शार्पनर की ब्लेड से, और इसे बनाने के लिए मैंने यूज एंड थ्रो पेन को कैंडल से काफ़ी ज़्यादा पिघला दिया है, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो गया है। अब इसमें मैंने शार्पनर की ब्लेड को फिक्स कर दिया है, और इसे आपको काफ़ी सावधानी से करना है, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, हाथ को जला सकता है। और इसके टाइट होने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा ही हार्ड हो जाता है। और ये यूज़ के लिए अब रेडी हो चुका है, और आपको अगर चाहते हैं कि बेहतर ग्रिप मिले तो आप इसके कैप को यूज कर सकते हैं। तो कैप को मैंने थोड़ा सामने के भाग को कट कर लिया है पेन नाइफ की हेल्प से, और इसमें मैंने फिक्स कर दिया है जिससे काफ़ी अच्छा ग्रिप मिल जाता है। और इसकी भी हार्डनेस को आप देख सकते हैं, पेंसिल की वुड को मैं काफ़ी इजीली रिमूव कर सकता हूं, और ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। सारे टूल्स आप काफ़ी इजीली घर पर ही बना सकते हैं, और इसे बनाने में आपको काफ़ी वक्त भी नहीं लगेगा। लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि आपको रेडीमेड मिल जाए तो इसे आप
ऑनलाइन या मार्केट में परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और इसे यूज़ करना काफ़ी ईजी है। पेन नाइफ के साथ 5 ब्लेड आते हैं और ये काफ़ी शार्प होते हैं, बट इनमें रस्ट लगने का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है। आप इसे 2-3 टाइम्स ही यूज़ कर पाएंगे। इसे यूज करना काफ़ी आसान है। इसे आप स्क्रू को लूज़ करके आप इसमें ब्लेड को फिक्स कर लें, फिर इसे आप इजीली टाइट कर सकते हैं और ये यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और ये काफ़ी हैंडी होता है। इसके शार्पनेस को आप देख सकते हैं, ये काफ़ी शाइन कर रहा है। और यूज कर लेने के बाद इसे आप कैप लगा कर रखें सेफ्टी के लिए।